नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागी लैंग्वेज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। जसपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। हल्द्वानी में राशन तौल में गड़बड़ी करने वालों की नहीं खैर, हाइब्रिड मॉडल की POS मशीनों से होगी तौल। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर सिटी बस को किया रवाना। हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने कहा हाईकोर्ट के लिए गोलापार है बेस्ट। किचा में दबंगों ने किया गरीब किसान की जमीन पर कब्जा, पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हल्द्वानी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर के घर लाखों की चोरी। सुविधाओं के अभाव में है जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सीतामढ़ी जोन को नए नियमों के साथ खोलने पर जिप्सी चालकों ने किया DFO का घेराव। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं। किसानों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर पतरामपुर जसपुर लिंक रोड को जाम करने की चेतावनी दी है और सभी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राइस मिलरों की गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान नाजायज तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग अर्जाश करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज ये अनिश्चितकाल धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, अगर ये बाउंड्री से बाहर हमारी आवाज़ मुझे लग रहा नहीं जा रही, तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो लिंक रोड है ये जाम करेंगे शाम तक अगर हमारी मांग पूरी ना हो। अधिकारियों को पता है, सब अधिकारियों की मिलीभगत है। अधिकारी इतने बच्चे नहीं है कि इन्हें ना पता हो, हमसे ज्यादा सियाने अधिकारी हैं। भाजपा जिला कार्यालय में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने हवन पूजन कर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के माध्यम से सबसे पहले तो अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे एक बूथ के कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से चुनौती है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मेरे कार्यकाल में जो बूथ पे बैठा कार्यकर्ता है उसको सम्मान होगा और उसके दम पे पुनः सारे चुनाव जीतेंगे। हल्द्वानी बार एसोसिएशन गोलापार में हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने के पूर्ण पक्ष में उतर गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे उच्च न्यायालय उत्तराखंड की नैनीताल से शिफ्टिंग के निर्णय का समर्थन करते हैं। गुरुवार को आयोजित बार एसोसिएशन की एक बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि नैनीताल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिस कारण वहाँ वर्ष भर सैलानियों की भीड़ भाड़ रहती है और खाना पीना अत्यंत असुविधाजनक व महंगा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हाईकोर्ट जो है वो हल्द्वानी शिफ्ट कर रही की जा रही है, ऐसा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस प्रस्ताव को पास किया है और जिसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन समर्थन करती है और इसलिए भी आवश्यकता है। वादकारी का हित सर्वोच्च है, एक सिद्धांत है और वादकारियों के हित में चाहे वो यातायात की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे सस्ता और सुलभ न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने वाली बात हो, तो हल्द्वानी का हर लिहाज से उत्तम स्थान है और इस बात का स्वागत होना चाहिए और इसीलिए आज ये बैठक हुई। और बैठक इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से कुछ नैनीताल में एक अखबार के माध्यम से हम पढ़ रहे थे कि शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है, तो वो काय को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग तो नैनीताल से नैनीताल में ही हो रही है, अन्यत्र नहीं हो रही है। कहीं अन्यत्र होगी तब वो विरोध करें। हल्द्वानी के समर्थन से ही नैनीताल में थे तो हल्द्वानी भी नैनीताल में ही है, तो हल्द्वानी में जो हाईकोर्ट आया है उसका सभी अधिवक्ताओं ने समर्थन करना चाहिए और वैसे भी अधिकांश 90% अधिवक्ता चाहे वो नैनीताल में हो, नैनीताल के बगल का क्षेत्र चाहे वो आपका जूलीकोट हो, भवाली हो, रामगढ़ हो, भीमताल हो, सबका संपूर्ण नैनीताल जो है वो हल्द्वानी जो कि आर्थिक रूप से कुमाऊं की राजधानी है हाईकोर्ट के हल्द्वानी में शिफ्ट होने का समर्थन करता है, इसीलिए बैठक बुलाई गई। समय जो था कि नया राज्य बना था, नए राज्य में केवल शुरू में मांग ये थी कि जब देहरादून को राजधानी तय कर दिया गया था तो कुमाऊं में कहीं हाईकोर्ट बनाई जाए, कहाँ बनेगी। लेकिन जब संसद में माननीय न्याय मंत्री जो भी उस समय अरुण जेटली जी थे उनके द्वारा नैनीताल शहर को पारित किया गया कि नैनीताल में बनेगी और उनका ही एक आदेश था, किसी से पूछा नहीं गया, नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापित की गई।
अभी कितनी बार एसोसिएशन को आपको हमारे साथ है, बागेश्वर वालों के सहमति पत्र हमारे पास है, पिथौरागढ़ जिले का जो है उनके हमारे पास है, केवल नैनीताल को छोड़ के भाई जी कुमाऊं के लगभग लगभग सभी बार एसोसिएशन जितनी है वो हल्द्वानी शिफ्टिंग का समर्थन करते हैं। कि जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का एक शासन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक सर्च कमेटी का उसमें गठन किया गया है और उस सर्च कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें हल्द्वानी के गोलापार स्थान को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है तो उसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन पूर्ण समर्थन कर रही है और हमें पिथौरागढ़ बार का बागेश्वर बार का पूर्ण समर्थन हासिल है उसका ये जिला स्तर की बारें हैं और इनके द्वारा भी इस बात पर सहमति जताई है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट होना चाहिए और ये आम वादकारियों और अधिवक्ता गणों के लिए उपयुक्त स्थान है तो इस बात पर सहमति व्यक्त करी है। इसीलिए हम इस जो मुहिम चला रहे हैं कि हाईकोर्ट हमारे हल्द्वानी की गोलापार स्थान में स्थानांतरित हो सके। एक तरफ जहां सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर के लिए बढ़ा दी है वहीं मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई है जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को कम राशन मिलने और राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पर अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएँ हैं वो सही तोल और सही मात्रा में मिलें यह सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बहुप्रतीक्षित नवीन कलेक्ट्रेट के लिए सिटी बस को चौगानपाटा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी बीच धन सिंह रावत जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा समेत अन्य भाजपाइयों के साथ जनरल BC जोशी शहीद स्मारक पहुंचे जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह, SSP प्रदीप कुमार राय, CDO अंशु सिंह, RTO गुरुदेव सिंह समेत तमाम पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पिछले दबंगों द्वारा गरीब किसान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत किए जाने के बावजूद प्रशासन पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के सभी लोग किचा तहसील में भूख हड़ताल पर बैठ गए। पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारा ये जमीन का मामला है, जिठानी जी हैं, पति जी हैं, हमारे सासू माँ बच्चे भी हमारे साथ में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक यही बैठे रहिए। तो दबंगों ने कब्जा कर लिया जमीन पे आपकी? दबंगों ने कब्जा कर लिया है जमीन पे हमारी। तो कब्जा नहीं छोड़ रहे वो? नहीं, कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं, क्या कहते हैं वहाँ जाओगे तो मार दे जाओगे। तो भी जब जमीन में कब्जा कर लिया, लॉकडाउन लग गया, हम पहाड़ ना मिलो और इनने कब्जा कर लिया, इनने मारने की धमकी दिया, हमारे घर पर तो लग गए मारने के लिए कि हम मार देंगे कि जो करेंगे, जमीन पर नहीं आना, नहीं गए साहब। कितनी जमीन है? 40 बीघा। 40 बीघा जमीन है? पुश्तैनी जमीन है आपकी? पूर्वजों की जमीन है? हाँ, बुजुर्गों की है। अच्छा, तो अभी इन कोई सुनवाई ना कर रहा है, DM कह रहे हैं कि दस्तखत करो कि रिपोर्ट कोर्ट पर रिपोर्ट दे। बुजुर्गों की जमीन है, मेरे बाप दादा की यहाँ की जमीन है। पुश्तैनी जमीन? हाँ, ये मस्त है, हमारे पुर्वजों की जमीन है। कहाँ पे? ये बीरू नंगला में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बलजिंदर, सुरजीत, जगदीश, ये लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है कोविड से। अच्छा, हाँ, कोविड से हमें आने नहीं दिया यहाँ पर बॉर्डर पे, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कहते हैं, कोर्ट में मुकदमा करो, हमारी चीज हम ही मुकदमा करेंगे। और जब मान के धमकी देते हैं, हमारी जमीन मिलना चाहिए।
जमीन मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको कब्जा हटाया जाए उसका। हाँ। आपको जमीन मिले। हाँ। तो क्या हुई, आपकी बात हुई थी एसडीएम साहब से, क्या कह रहे हैं वो? मुकदमा मुकदमा कर रहा हूँ कोर्ट पर जा। परमिशन मिल गई यहाँ पे बैठने की? परमिशन पे साइन नहीं करी है एसडीएम साहब ने, ना ही तो तहसीलदार ने, मतलब परमिशन नहीं मिली। नहीं, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। कहाँ हैं सब लोग, शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को करीब लग। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले काफी लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि यहाँ एक्सरे मशीन 20 से 25 साल पुरानी है और यहाँ पर कोई बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एक्सरे मशीन काफी पुरानी है, ये करीब 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह थे, तो उनकी यहाँ पर ओपीडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आज लास्ट से लगभग 6 साल पहले। उसके पश्चात कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ पर नहीं हुई है, शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं, वो 1 जून अगले साल नेक्स्ट 1 जून को वो यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, और अगर बीच में कोई आ जाता है तो हो सकता है वो बीच में भी ज्वाइन कराए शासन किसी को। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और उत्तराखंड के पास अपने कई मेडिकल कॉलेज हैं। उनका कहना है कि रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड लगातार बढ़ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये 22 साल का जो सफर रहा है राज्य का, अगर हम तुलना करें राज्य बनने के पहले के 22 साल और राज्य बनने के बाद के 22 साल, और 22 साल पहले जब राज्य बना था तब हम कहां पर खड़े थे? हमारे पास एक भी अपना मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 7-8 मेडिकल कॉलेज अपने हैं, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, तमाम डिफेंस से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर और देखें तो आज हमारे पास कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ पर डॉक्टर ना हो, जहाँ पर नर्सेज ना हो, जहाँ पर फार्मासिस्ट ना हो। आज बड़ा भारी परिवर्तन हम ये कह सकते हैं आज हम देख सकते हैं। रामनगर के सीतामणि जोन में पर्यटन को लेकर बने नए नियमों के खिलाफ जिप्सी चालकों ने पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में डीएफओ कुंदन कुमार का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जिप्सियों को भंडार पानी तक ले जाने की मांग की। संवाददाता कैलाश वैल की रिपोर्ट। देखिए, जो सीतामणि जोन है उस पर वर्तमान डीएफओ रामनगर डिवीजन द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया है सिर्फ जिप्सियों पे। उसी सिलसिले में मैं जिप्सी चालकों और ऑपरेटरों के साथ उनसे वार्ता करने गए थे। सीतामणि रोड पर जाकर के टूरिस्ट को घुमा लाते थे और उसको जैव विविधता तो दिखाई लाते थे, जानवर अगर कम भी दिखा तो जो पेड़ हैं, हमारा फ्लोरा एंड फौना है, विभिन्न किस्म की जो हमारी जैव विविधता उसको दिखा लाते थे। और अब वर्तमान में कह रहे हैं कि उसमें भी हम गाड़ियां नहीं जाने देंगे जिप्सियों को सिर्फ। आज मैंने पूछा भाई क्यों नहीं जाने दोगे, क्यों रोक रहे हो? बोले जो है इको सेंसिटिव जोन की वजह से। मैंने कहा आपका इको सेंसिटिव जोन जो है उसका इको सिस्टम प्रभावित अगर होगा तो नंबर ऑफ पर्सन से होगा, जब बहुत संख्या में आदमी जाएंगे जंगल के अंदर, और गाड़ियों से होगा क्योंकि गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, पॉल्यूशन करती हैं।
उसमें आप ट्रक को एग्जम्प्ट कर रहे हो, बस को एग्जम्प्ट कर रहे हो, प्राइवेट सारी गाड़ियों को एग्जम्प्ट कर रहे हो, ऑटो को एग्जम्प्ट कर रहे हो, लेकिन उनको दिक्कत है सिर्फ जिप्सी से कि जिप्सियां नहीं जाने देंगे हम ज्यादा। तो ये तर्क कहीं भी किसी के गले नहीं उतरता है कि जिप्सी प्रदूषण फैलाती है और गाड़ियां नहीं फैलाती हैं। तो इसी पे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और उनसे दिशा निर्देश लेकर के अग्रिम कार्रवाई करूंगा। देखिए, जो हमारा रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी पर्यटन जोन है, तो उसमें अभी जो प्रवेश होता है जिप्सी वाहनों का, वो टेढ़ा गेट से और पवलगढ़ गेट से होता है। इसमें कुछ जिप्सी वाहन स्वामी थे, वो आए थे, उनका उनकी मांग थी कि टेढ़ा गेट से जो भंडार पानी तक का की सड़क है उस पे और भी वाहनों को अलाउ किया जाए एंट्री। तो उसके लिए उनका जो प्रत्यावेदन आया है उसको उच्च स्तर को भेजा जाएगा और उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको किया जाएगा। थाना पन्ना क्षेत्र स्थित कृषि विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात महिला के घर अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़ लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त महिला असिस्टेंट प्रोफेसर रुड़की गई हुई थी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के बारे में जानकारी मिली थी जिसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत एक महिला अधिकारी हैं, उनके घर पे चोरी की सूचना प्रकाश में आई थी। तो इसमें जो है SHO और CO द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। इसमें कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये परिवार बेसिकली 3 तारीख को बाहर गया हुआ था और ये आज सुबह आए हैं लौट के 9 तारीख को। तो इनको जानकारी हुई इसकी और हम लोग इसके अनावरण के प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तहरीर आनी शेष है। पुलिस ने कोतवाली अंतर्गत लालपुर क्षेत्र में अभियुक्त चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी को 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। संवाददाता राजू सैगल की रिपोर्ट। ये बहुत दिनों से हमें शिकायत मिली कि लालपुर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति है चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, बहुत दिनों से स्मैक बेचने की शिकायत मिली थी कि ये लगातार स्मैक ला रहा है बरेली की तरफ से और यहाँ पर लगातार ऊंचे दामों में बेच रहा है और जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उसकी आगे बढ़कर अपना जो है भविष्य बर्बाद कर रही है। तो इस सूचना पर हमने कई बार अपनी पुलिस टीम को भेजा था, वहाँ सफलता हाथ नहीं ले पाई थी। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो अभियान चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध, उस अभियान के तहत हमारी पुलिस टीम कल वहाँ गई थी और इसे स्नैक बेचते हुए पकड़ लिया। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब व शेखर जोशी की कहानी दाजियू का आज रामनगर के GBB कन्या इंटर कॉलेज व मदर्स ग्लोरी पब्लिक स्कूल में मंचन किया गया। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर सांस्कृतिक टीम उज्जियावक दगड़ी द्वारा उपरोक्त नाटकों का मंचन किया गया। संवाददाता कैलाशवेल की रिपोर्ट। ताजू हो जाता है, लेकिन मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। रचनात्मक शिक्षक मंडल की सांस्कृतिक टीम उजावक दगड़ी द्वारा आज हमने शेखर जोशी जी की प्रसिद्ध कहानी दाजियू का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक पहाड़ के बच्चा जो एक छोटी सी बैरे की नौकरी के लिए दूर शहर में जाता है, उसका क्या बाल मनोविज्ञान होता है और कैसे वो एक बड़े आदमी से पहाड़ के दाजू का रिश्ता जोड़ता है, परंतु बड़े को शायद अपनी एक मध्यमवर्गीय चेतना के कारण वो पसंद नहीं आता और बाल मनोविज्ञान पर इसका क्या असर पड़ता है उस बच्चे के बाल मन पर, ये इस कहानी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।